नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर लेकर आए एक ऐसा मुद्दा जिस पर आपको बोलना होगा, क्योंकि आप नहीं बोल रहे हैं इसलिए ऐसी बोली शुरू होने वाली है जो आपको सहमत निश्चित नहीं होगी, और इसी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये जानने के लिए आज के बिंदास में हम आपको पूछ रहे सवाल कि पाकिस्तान के साथ क्या हो, युद्ध या क्रिकेट? देश क्या चाहता है? ये देश के जनता के द्वारा इस देश के लीडरशिप को कभी ना कभी पता चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे देश के हर नेता ने अपने नए सिरे से आजमाने की कोशिश की है। नया प्रधानमंत्री बना, उसने नए प्रयोग फिर शुरू कर दिए, या मनमोहन सिंह जैसे दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी इन्होंने कई प्रयोग पाकिस्तान के साथ किए, भले खुद किए हो या अमेरिका के दबाव में किए हो, लेकिन ये किए, ये सच है। और ऐसे प्रयोगों के बारे में देश क्या सोचता है, ये सवाल आज हम आपको पूछ रहे हैं, और आपके सवालों के आधार पर देश की क्या मानसिकता है, क्या राय है, ये बनेगी सवाल। स्वाभाविक है, लोगों में चर्चा है कि एक तरफ गेंद और दूसरी तरफ बॉम्ब कैसे चलेगा, एक तरफ गोली और दूसरी तरफ बोली कैसे चलेगी, जो देश इस देश को तोड़ना चाहता है उस देश के साथ दोस्ती का हाथ कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और अब तक के अनुभव के बावजूद हम दोबारा गलती क्यों करना चाहते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब भी भारत में आई आतंकवादी लेकर आई, ISI ने उसका पूरा फायदा उठाया। कुछ हफ्ते भी नहीं हुए हैं, इसी सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह बात कही, कोर्ट ने हलफनामा दिया और सरकार ने बयान दिया, फिर भी दोबारा ये गलती होने जा रही है। क्या है आपका कहना? आपको बोलना है, क्योंकि देश आपका है और इस पर घटने वाली घटनाओं पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो चंद नेताओं के मन मर्जी से ये गलत दिशा में जा सकता है। आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ तीन विशेष अतिथि जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। मिश्रा जी सेना में थे और अब सामाजिक जीवन में सेना की मानसिकता से देश के लिए काम करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे सुदेश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। सुदेश अग्रवाल जी समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और उद्योगपति के साथ साथ सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए भी पर्याप्त समय समाज के काम में देते हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और मोहम्मद अफजाल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष, भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इन तीन अतिथियों के साथ आप करोड़ों की संख्या में ऑस्ट्रेलिया से लेकर UK तक सैटेलाइट के द्वारा, वीडियोकॉन, डिश टीवी और बिग टीवी के व्यूअर्स और www.sudarshantv.com पर दुनिया भर में इस कार्यक्रम को देख रहे सारे दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं। आइए, आपके कॉल और अतिथियों की प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आएगी। BCCI और सरकार के रहनुमाओं ने इस दौरे को हरी झंडी दे दी है। इस खबर से देश के लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं, हमने जब पाकिस्तान के साथ विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला बंद करने का फैसला किया था, तब से अब तक क्या बदला है? क्या पाकिस्तान ने मुंबई के आतंकवादी हमलों के दोषियों को सजा दी? क्या पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा के कमांडर जकी उर रहमान लखवी जैसे लोगों को वे भारत को सौंपने को तैयार हो गया है? क्या पाकिस्तान ने अबू जिंदाल के बयान के बाद मान लिया है कि मुंबई पर आतंकवादी हमले में ISI और पाकिस्तानी सेना के लोग शामिल थे? क्या पाकिस्तान ने अपने यहाँ आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर बंद कर दिए हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन लगता है भारत सरकार ने ये मान लिया है पाकिस्तान से इन मुद्दों पर कोई भी उम्मीद करना बेईमानी होगी। भारत में एक वर्ग है जो मानता है कि कुछ भी हो पाकिस्तान के साथ बातचीत चलती रहनी चाहिए। भारत सरकार की भी यही राय है, लेकिन पिछले 64 सालों से भारत यही तो कर रहा है। हर धोखे और हमले के कुछ दिन बाद हम फिर बातचीत की मेज पर पहुंच जाते हैं। कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा चला गया। 1965 और 1971 का युद्ध हुआ, कारगिल हुआ, देश की संसद पर हमला हुआ, मुंबई पर हमला हुआ, हमने देश में मोमबत्ती जुलूस निकाला और उसके बाद पाकिस्तान के साथ विश्वास बहाली के नियमित कर्मकांड में जुट गए। भारत और पाकिस्तान आपस में क्रिकेट खेले, भला इससे क्यों इनकार होना चाहिए? लेकिन क्रिकेट के जरिए दोनों देशों के संबंध सुधारने का सपना हम 1978 से देख रहे हैं। क्रिकेट कूटनीति में यकीन करने वाले मानते हैं कि इससे दोनों मुल्कों के लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ेगा और तनाव कम होगा। क्रिकेट देखेंगे तो क्रिकेट की बात करेंगे, ऐसा कहने वाले शायद ये भी मानकर चलते हैं कि भारत पाकिस्तान की समस्या एक बड़ा कारण दोनों देशों के आवाम के बीच भाईचारे और आपसी विश्वास की कमी है।
इस धारणा को दोनों देशों के लोगों ने हर उपलब्ध मौके पर झुठलाया है। जाहिर है कि मर्ज कहीं और है और इलाज कहीं और हो रहा है। भारत और पाकिस्तान की समस्या दोनों देशों की आवाम नहीं है, राजनीतिक दल और नेता भी नहीं है। समस्या पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI है। मुश्किल ये है कि ISI और पाकिस्तान की सेना क्रिकेट नहीं खेलती, वे जो खेल खेलते हैं वही दोनों देशों की मूल समस्या है। वे चाहते हैं कि दोनों देशों के लोग क्रिकेट में मशगूल रहें ताकि उन्हें अगले हमले की तैयारी के लिए, आतंकवादियों के प्रशिक्षण के लिए और उन्हें भारत में भेजने के लिए शांति का वातावरण मिले। ये किसी आशंका या अविश्वास पर नहीं, 6 दशकों के अनुभव पर आधारित है। जब हमने द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला बंद की थी तो एक ही मुद्दा था कि क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ कैसे चल सकता है। इस सवाल को उठाने वाले युद्धोन्मादी मान लिए जाते हैं। पूछा ये जाता है कि युद्ध से भी तो समस्या हल नहीं हुई, युद्ध का माहौल बनने से किसका फायदा होगा, मगर बातचीत से ही अब तक हमें क्या मिला? तो इसका एक ही इलाज है, हमें पाक से सारे संबंध तोड़ने होंगे। हमें ताकतवर बनना होगा तो पाक फौज और ISI सोचने पर ये मजबूर होगी, हमारी ताकत से उसे खौफ होगा। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाली भारत सरकार देश को कभी मजबूत नहीं बनाना चाहती। यही है आज देश की सरकार और सरकारी रहनुमाओं की हकीकत। तो आइए खड़े होइए इस निठल्ली सरकार को जगाने के लिए। बता दीजिए भारत की इस निठल्ली सरकार को कि इस देश के लोगों की जिंदगी भेड़ बकरियों की तरह नहीं है, जो पाकिस्तानी आतंकी आए और मासूम देशवासियों का कत्लेआम करके चले जाए। यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आइए और दीजिए अपनी बेखौफ राय बिंदास बोल में। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको खोलकर बोलना होगा, क्योंकि आप अगर नहीं बोलेंगे तो आपके चुप बैठने का मतलब सरकार के निर्णय का समर्थन माना जाएगा। अगर आप इसका विरोध करते हैं तो स्क्रीन पर चढ़ रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को आप कह सकते हैं। आप हमें अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट कर सकते हैं, हम उसको लाइव में भी लेंगे, स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। साथ में sudarshantv.com पर भी आप चैनल को लाइव देखते देखते फोरम में डिस्कस भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं सेना से, क्योंकि बात सेना से शुरू इसलिए होती है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा अगर सबसे ज़्यादा किसी विषय का गहरा संबंध है तो सेना के साथ, इसलिए हम चलते हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बहुत ही फर्क है। पाकिस्तान में जो पूरा नियंत्रण है, कंट्रोल है, वहाँ पर वहाँ के आर्मी का कंट्रोल है और आर्मी का एक विंग है ISI, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कंट्रोल है। और पाकिस्तान की आर्मी सन 47 से लेकर के 14 अगस्त सन 47 को 1947 में वो इंडिपेंडेंट हुए थे और तब से लेकर के आज तक पाकिस्तान आर्मी का यह मानना है कि जब तक वो अपनी जनता को यह नहीं बताएंगे कि हिंदुस्तान, अगर आर्मी वहाँ की स्ट्रांग नहीं रहेगी, आर्मी कंट्रोल नहीं करेगी, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को खा जाएगा, यह जब तक वो उजागर नहीं करते हैं तो समझते हैं कि उनका कंट्रोल नहीं रहेगा। और उनके इस पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके करने के लिए उन्होंने ISI बना रखा है और उनका पूरा डर्टी काम जो अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म का है और हर तरीके के उत्पात का है वो ISI कराती है। तो सिंपल बात यह है कि अगर वहाँ की फौजी हुकूमत यह चाहती है कि उनका कब्जा, उनका कंट्रोल, नियंत्रण उनके देश पर बना रहे, तो हमेशा वो हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसे काम करते रहेंगे जो कि आतंकवाद से प्रभावित रहे। और ये करने के लिए ISI करती है, हम जानते हैं, भारत सरकार पार्लियामेंट में जवाब देती है, लेकिन फिर क्रिकेट क्यों उनके साथ खेला जाता है? देखिए, सिंपल बात यह है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, सठे साठ्यम समाचरेत। हमारे ख्याल से उसमें माने उसका यह होता है कि जो आपके साथ बदमाशी करता है, अगर आपको बचना है तो आपको भी उसका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। भारत ये बात पता नहीं क्यों अभी तक नहीं समझ पाया है। और हमेशा हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे IK गुजराल, और उनकी ये पॉलिसी थी जिसको गुजराल डॉक्ट्रिन कहते हैं, तो कहा करते थे कि मीट द नेबर,
मोर देन हाफ वे। तो हम कहीं इस पॉलिसी में गुमराह हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं क्या करना है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो बिल्कुल रिटेलिएट करना पड़ेगा, देश के साथ करना पड़ेगा, हम आगरवाल जी आपको यह तय करना पड़ेगा कि हम उसका कैसे जवाब दें। क्रिकेट सिर्फ आंसर नहीं है, लेकिन ठीक है क्रिकेट चल रहा है चलने दो, लेकिन जो असली मुद्दा है रिटेलिएशन का या अपने की बचाव अपने बचाव का, उसको हम ना भूलें। बिल्कुल अग्रवाल जी आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए कि राजनीतिक तौर पर तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब ये समाचार आया कि BCCI ने पाकिस्तान के साथ 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलेगी और भारत के अंदर, हमें तो ये समझ नहीं आता कि राजनेताएं ऐसा फैसला करते कैसे हैं। क्योंकि या तो हमें ये बताइए कि जब आपने इसके ऊपर बंदिश लगाई थी उन परिस्थितियाँ जो एनवायरनमेंट था, आपने कहा कि एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है इसलिए हमने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन क्या उस एनवायरनमेंट के अंदर आज कोई बदलाव आया है? क्या पाकिस्तान ने उस जो हमारे पास बम ब्लास्ट हुए थे या उनको आपके पास दे दिया या आपको वो सहयोग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? कौन सी परिस्थितियां इस समय बदली हैं जिससे कि आपको ये फैसला करना पड़ा कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं? लेकिन अगर ऐसा कुछ बदलाव नहीं आया तो क्रिकेट खेलने का तो मतलब ही नहीं बनता। या तो ये फैसला गलत है या फिर जो आपने 2009 में फैसला लिया था वो फैसला गलत है, कोई ना कोई फैसला गलत है। और ये BCCI के हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर प्रतिबंध लगाया था तो वो गवर्नमेंट ने लगाया, तो गवर्नमेंट ने लगाया, गवर्नमेंट ने ही हटाया, तो सरकार इसके लिए जवाबदेह है, वो श्वेत पत्र जारी करे कि भी जनता को बताए कि आपने ये फैसला क्यों लिया। बिल्कुल अग्रवाल जी, और फर्क एक पड़ा है, फर्क ये था कि तब देश की जनता का उतना दबाव था क्योंकि 26/11 की घटना के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल था, जनता शांत हो गई, बोलना बंद कर दी, चुप बैठ गई, बिंदास बोलना तो दूर की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने ये डिसीजन किया। मैं आपको और एक और एंगल देना चाहूंगा यहाँ पे ये एंगल भी देना चाहूंगा कि ये हमें ये नहीं पता कि शायद सरकार जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है। क्या देश के लिए क्रिकेट खेलना नेशनलिज्म से राष्ट्रवाद से ज्यादा जरूरी बन गया? क्या BCCI के लिए 200-400 करोड़ रुपए कमाना ज्यादा जरूरी बन गया? कुछ ऐसे भी और भी कारण है, उन पर भी हम नजर डालेंगे, हम स्थिति के साथ कारण परिणाम और उपाय में डिस्कस पूरे कार्यक्रम में करेंगे। कई कारण है जिस कारण पाकिस्तानी टीम को भारत में रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दी जाती है, उन कारणों पर भी आएंगे। लेकिन दोनों अतिथियों के बाद चलते कॉलर के पास की कॉलर क्या कहना चाहते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके अपनी बात को रखिए। नमस्कार, हेलो, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, शायद कॉलर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कहेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन आपको यहां पर दी जाती है अगर आप उसका पालन करेंगे तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे। हाँ, मैं चलूंगा कारणों की तरफ कि क्या कारण हो सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा चलूंगा अग्रवाल जी के पास क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक कारण ज्यादा है। क्या भारत में सरकार के खिलाफ जिस तरीके से करप्शन का माहौल है, आने वाले दिनों में बाबा रामदेव का अन्ना का ज्वाइंट आंदोलन शुरू होने वाला है, इस कारण जो फोकस सरकार के खिलाफ जाने वाला है पूरे देश का मीडिया का, क्या पाकिस्तान और भारत के मैचेस में जो एक हाई टेंशन होता है वो टेंशन इनको कम करने के लिए भी सरकार का ध्यान हटाने का एक कारण हो सकता है? अग्रवाल जी देखिए कि सरकार, कांग्रेस सरकार जो है ना, ये बहुत से खेल खेलती रहती है और ये शायद इनकी प्रवृत्ति बहुत पुराने समय से रही है। कहीं ना कहीं मुद्दे से ध्यान हटा देते हैं, कोई ना कोई ऐसा शगुफ्ता छोड़ देते हैं जिससे कि जनता उसमें उलझ कर रह जाए। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट भारत की जनता तो पहले ही इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल देख रही है, IPL देख रही है, फिर हर कंट्री के साथ क्रिकेट देख रही है। क्या भारत को या BCCI को इससे फ़ायदा होने वाला है? भारत और BCCI को तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत तो पाकिस्तानी क्रिकेट को है क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को होगा। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। हमें तो इसमें सिर्फ साफ तौर पर राजनीति नज़र आती है और साथ ही साथ राष्ट्रवाद के साथ खिलवाड़ नज़र आता है। क्योंकि एक देश हमारे देश के ऊपर हमला करता है, हमारे पार्लियामेंट के ऊपर हमला करता है, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है। देखिए, और आज हम फिर क्रिकेट के ऊपर हम प्रतिबंध लगाते हैं, फिर उसको हटा देते हैं क्योंकि कोई कारण दिए नहीं जाते। कारण यहाँ पर दर्शकों ने भी भेजे है, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने का भी एक कारण दिया गया है, और जो
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट कांग्रेस को नहीं मिला, समाजवादी के पार्टी के पास गया, उसको दोबारा खींचने की दिशा में एक कदम है, ऐसा अलजमीन कह रहे हैं मेरठ से। फेसबुक पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, SMS कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। मैं चलूंगा मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, जिस तरीके से ये फोकस हटाने की बात हो रही है, दूसरी जो मैं आपको सेना के एंगल से पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि क्या भारतीय सेना सरकार के ऊपर, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तानी सेना जैसा दबाव पाकिस्तान सरकार पर रखती है उस टाइप का कल्चर हमारे यहाँ तैयार हो, लेकिन क्या अपना इनपुट नहीं देती सरकार को? देखिए, भारतवर्ष में जो व्यवस्था है आर्मी की और जो वहाँ पर यहाँ पर जो लोकतंत्र है उसकी व्यवस्था और जो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बड़ी क्लियर कट है। भारतीय सेना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो बिल्कुल राजनीति से परे रहती है, पहली बात। लेकिन इसमें तो राष्ट्रनीति है ना, राजनीति बाद में है। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा सरकार को अपने पूरे लिमिट तक एडवाइस देती है और उनको आगाह करती है कि हमारी सुरक्षा के लिए ये हमारे प्रॉब्लम है और हमको ये करना चाहिए। और हमेशा भारतीय सेना एक एप्रिसिएशन बनाती है कि बॉर्डर पर दूसरे देशों से उसको क्या क्या खतरे हैं, और ये हमेशा उनका इंटरैक्शन होता है डिफेंस मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से। तो भारतीय सेना कभी नहीं चूकती है यह बताने में कि हमारी व्यवस्था में प्रॉब्लम क्या है, मतलब सेना क्या का इनपुट होने के बावजूद भी सरकार का निर्णय इनपुट है, सरकार का निर्णय उस हित में। हाँ, लेकिन जो भारतीय सरकार काम करती है उनका राजनीति से ज्यादा, उनको राजनीति से ज्यादा प्रेरणा मिलती है। अफसोस की बात यह है कि उनको भारतीय सुरक्षा पर कम कंसर्न है और इलेक्शन पर ज्यादा कंसर्न है। बिल्कुल, वोट की दिशा में ज्यादा सोच होने के कारण सेना जैसे गंभीर संस्था के द्वारा दिया गया सूचना या दी गई सलाह भी सरकार नहीं मानती। कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं कॉलर क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए क्या कहना है। हाँ सर, हम शहाबुद्दीन बोल रहे हैं सऊदी अरब से। बोलिए शहाबुद्दीन जी। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान जो है इंडिया के ऊपर इतने हमले करता है और बार बार इंडिया उसको माफ कर देता है, जैसे अमेरिका के साथ अमेरिका को कोई हमला करता है जैसे अफगानिस्तान या इराक या चीन कोई भी करता है उसको तुरंत जवाब देता है, क्यों भारत सरकार ऐसा जवाब नहीं से देता है? क्या ताकत नहीं है भारत सरकार के पास? बिल्कुल, धन्यवाद। मैं मिश्रा जी के पास जाऊंगा। मिश्रा जी, इस कॉल से एक कारण सामने आता है कि भारत का जो व्यवहार है वो अमेरिका जैसा सख्त नहीं है, इज़राइल जैसा सख्त नहीं है, ये भी एक कारण है? इसमें हम कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जो वहां पर उनके वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पर अटैक हुआ था उसके बाद जो वहां पर आंतरिक व्यवस्थाएं की गई, जो उनका इंटरनल सिक्योरिटी का एक सिस्टम बना और जो उन्होंने उस पर रिटेलिएशन की, अफगानिस्तान पर लगातार उन्होंने खोजबीन की और हमेशा दबाव रखा और अल्टीमेटली ओसामा बिन लादेन जो उसके लिए जिम्मेवार था उसको उन्होंने मार गिराया पाकिस्तान में जाके, बिना पाकिस्तान के पाकिस्तान सरकार को उनकी आर्मी को बताए हुए। तो यह बिल्कुल सही बात है, हमारा जो फॉलो अप है सिक्योरिटी का पुअर है, मैं कहूंगा कि पुअरेस्ट है, और मैं ये भी कहूंगा कि इसमें कहीं कहीं राष्ट्रीयता की और राष्ट्र के हित की जो कमी की झलक है वो हमेशा सरकार के सामने ये एक धब्बा सा लगता है और ये गलत है। बिल्कुल, और ये इसको इम्प्रूव करने के लिए मेरे ख्याल से तो कोई बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है, और ये सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, उर्वशी चौहान जयपुर से कहती है कि मनमोहन सिंह जवाब दे कि इस श्रृंखला के बाद कितने कसाब भारत में आएंगे और कितने 26/11